लास्ट वीडियो में हमने इंटेलिजेंट बाइंग अप्रोच ये डिस्कस किया हुआ है। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोजिशनल ट्रेड। तो आप अगर पोजिशनल ट्रेडर हो तो ये वीडियो आपके इंटरेस्ट का होगा। आज आपके लिए मैं एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करने जा रहा हूं और वो है RMT यानी रिस्क मैनेज्ड ट्रेड। है रिस्क और रिवॉर्ड दोनों जहां, मैं बात शेयर मार्केट की सुनाता हूं, टेक्निकल एनालिसिस की साधना करता हूं, आपको सफलता दिलाना चाहता हूं। इस वीडियो में हम एग्जांपल देखेंगे टाटा मोटर्स का। अब ये चार्ट इससे पहले भी हमने डिस्कस किया, आप पुराने वीडियो जाके देख सकते हैं। टाटा मोटर्स 63 का ये सपोर्ट था, 63 और ऊपर भी 80 का एक रेंज बना हुआ था यहाँ पे, और यहाँ पे स्टॉक ने जंप कर दिया, यानी लेवल चेंज हो गया और उसके बाद में 80 से लेके 94 के बीच में एक रेंज बना हुआ था स्टॉक के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रेंज बाउंड ट्रेड है, सो बिटवीन 80 एंड 93। अब व्यू ऐसा बनता है इसमें कि अगर ये ऊपर का रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो इसमें एक लॉन्ग पोजीशन बनती है, अगर नीचे सपोर्ट बनता है तो खराब हो जाता है, उस केस में हम शॉर्ट का भी सोच सकते हैं। अब आप अगर पोजिशनल ट्रेडर हो तो आपने डेली चार्ट पे काम करना है, तो डेली चार्ट पे आपने कंफर्मेशन लेना है। अब बहुत बार ऐसे होता है कि जब आप डेली चार्ट पे कंफर्मेशन लेते हो तब तक स्टॉक बढ़ चुका होता है और जो आपका रिस्क है वो भी बढ़ जाता है। तो वो अगर आपको कम करना हो और आपके पास समय अगर हो कि इंट्राडे में भी आप मार्केट मॉनिटर कर सकते हैं तो ये स्ट्रैटेजी आप यूज करेंगे। ये स्ट्रैटेजी का नाम है रिस्क मैनेज्ड ट्रेड, RMT। यानी अब ये व्यू है 93 का, इसमें रेजिस्टेंस बनता है तो आपने इंट्राडे में इसे मॉनिटर करना है। जब कब ये 93 ब्रेक करेगा ऑन द इंट्राडे चार्ट, यानी 5 मिनट के चार्ट पे, जब कब ये ब्रेक करेगा तब आप एक पोजीशन इसमें बनाओगे। वो पोजिशनल ट्रेड नहीं होगा, वो इंट्राडे ट्रेड होगा, क्योंकि इंट्राडे का रिस्क अलग होता है, पोजिशनल ट्रेड का रिस्क अलग होता है। इंट्राडे का जो रिस्क होगा वो छोटे चार्ट पे होगा, 5 मिनट के कैंडल पे होगा, इसलिए रिस्क कम रहेगा उसमें। पोजिशनल ट्रेड के केस में डेली चार्ट पे आपका स्टॉप लॉस होगा और उसकी वजह से थोड़ा लंबा हो सकता है। तो देखते हैं अब इसमें ट्रेड किस तरीके से बनता है। अब ये चार्ट जो आपको दिख रहा है ये 1 जून तक का है। अब हम देखेंगे 2 जून का चार्ट और 2 जून को किस तरीके से टाटा मोटर्स ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी और किस तरीके से हमारा एक इंट्राडे ट्रेड भी बना और एक पोजिशनल ट्रेड भी बना। अब मेरे पीछे आपको टाटा मोटर्स का इंट्राडे चार्ट दिखेगा, 5 मिनट का ये चार्ट है। आपको दिखेगा ये जो कैंडल है ये 2 तारीख की फर्स्ट कैंडल है, 9:20 को ये फर्स्ट कैंडल आई हुई है। ये बड़ी जो कैंडल है ये 9:25 को आई हुई है। अब ये इनिशियल मूव के बाद ये स्टॉक, जैसे आपको पता है कि 93 का रेजिस्टेंस बना हुआ था तो यहां पे अटक गया और उसके बाद ये साइडवेज ट्रेड करते रहा। यहां पे आपको दिखेगा किस तरीके के मोस्टली इंडिसिजन कैंडल्स हैं और साइडवेज, नीचे में 91 का सपोर्ट बना हुआ था और ऊपर में 92.50 से 93 का इसमें रेजिस्टेंस बना हुआ था। अब जो अगला कैंडल है, या आप जो देखो अगला जो कैंडल इसमें बना हुआ है वो एक ब्रेकआउट कैंडल है। आपको दिखेगा कि इंट्राडे रेजिस्टेंस जो था वो भी ब्रेक कर दिया, प्लस उसके साथ में इस स्टॉक ने अब जो डेली चार्ट पे हमारा जो रेजिस्टेंस बना हुआ था 93 के लेवल पे वो भी उसने ब्रेक कर दिया। वॉल्यूम अगर आप देखो तो बढ़िया है, यानी वॉल्यूम भी बढ़ चुके हैं तो वॉल्यूम हमें कंफर्मेशन दे रहे हैं, तो यहां पे एक ब्रेकआउट जनरेट हुआ है। अब ये इंट्राडे चार्ट पे आप एक पोजीशन बना लो, रिस्क मैनेज ट्रेड। इंट्राडे चार्ट पे आपकी पोजीशन बनेगी, आप हो तो पोजिशनल ट्रेडर लेकिन आपको रिस्क और कम करना है, तो 93.50 में आपकी पोजीशन बन गई, चलो 94 में आपकी पोजीशन बन गई। आपका स्टॉप लॉस कहां पे, तो ये जो इन्विटेशन कैंडल है ये इन्विटेशन कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस है। अगर ये स्टॉप लॉस के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप मेरी किताब पढ़ सकते हैं, ये वाली, हाउ टू मेक मनी इन डे ट्रेडिंग। अगर आपका इंटरेस्ट
डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस सीखना है पोजिशनल और इन्वेस्टमेंट के लिए है तो ट्रेडिंग एंड टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, ये दोनों किताबें आप पढ़ सकते हैं और इसमें डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इस कैंडल इनविटेशन कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस बन गया। तो हम 92 पे अगर हम स्टॉप लॉस लगाते तो हमारा स्टॉप लॉस हो गया 2 रुपए का, पोजीशन तो हमने यहां पे बना ली। अब राह देखनी है स्टॉक के क्लोजिंग। अब यहां पे देखिए 330 की कैंडल आ गई, हमारा जो इनविटेशन बना वो इस कैंडल पे बन चुका है, हमारा स्टॉप लॉस था 92 का, मैंने पोजीशन बना ली और ये स्टॉक ऊपर में जाके 96.50 के करीब ये स्टॉक उस दिन के लिए क्लोज हुआ है। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो 93 का हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ था डेली चार्ट पे, उसे तो इसने ब्रेक कर दिया, लेकिन एज अ पोजिशनल ट्रेडर मेरा कंफर्मेशन कब आएगा तो क्लोजिंग पे आएगा। लेकिन अब यहां पे मैंने पोजीशन 94 पे पहले ही बना ली इंट्राडे चार्ट पे, तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं 1000 शेयर बाय करता हूं, 94 पे मैंने बाय की है, 2 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस है, यानी 2000 की मेरी रिस्क है। अब ये जब ऊपर चलता है और ये ऊपर में 96.50 के करीब क्लोज देता है, तब मैं यहां पे 50% पोजीशन इंट्राडे में ही स्क्वेयर ऑफ कर दूंगा। यानी क्या हुआ, मैंने प्रॉफिट ले लिया प्लस 50% ऑफ पोजीशन मेरी इंटैक्ट है। अब ये प्रॉफिट लेने से एडवांटेज ये होता है कि जो डाउनसाइड रिस्क है वो थोड़ा ऑब्जर्व करने का आपको स्कोप मिलता है, क्योंकि आपने प्रॉफिट लिया है थोड़ा सा। तो इससे हमने क्या किया, तो हमने रिस्क हमारी जो है वो मैनेज कर ली, यानी क्या तो थोड़ी सी कम कर। अब 50% पोजीशन हमने कैरी किया है। अब राह देखनी है एंड ऑफ द डे के चार्ट की, एंड ऑफ द डे चार्ट पे एनालिसिस करेंगे और बाकी का ट्रेड बाद में बनाएंगे। अब मेरे पीछे आपको एंड ऑफ द डे चार्ट दिखेगा टाटा मोटर्स का, नियर मंथ का फ्यूचर का चार्ट है ये। अब देखिए ये जो हमने रेजिस्टेंस प्लॉट किया था वो वैसे के वैसा है और ये अब 2 तारीख की जो कैंडल है वो आप आ गई। अब ये 2 तारीख की कैंडल हमें क्या बता रही है कि ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ था 93 के लेवल पे वो ऊपर की तरफ ब्रेक हो चुका है, नीचे में वॉल्यूम्स भी बढ़िया है, यानी कंफर्मेशन भी हमारे पास है। अब एंड ऑफ द डे का स्टॉप लॉस अलग रहेगा, इंट्राडे का स्टॉप लॉस तो अलग रहेगा, लेकिन इंट्राडे में हमने अब प्रॉफिट लेने की वजह से अब हमारा थोड़ा सा स्टॉप लॉस लेने की हमारी ताकत जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई है, क्योंकि हमारा प्रॉफिट पहले मिल चुका है। अब ये यहां पे कंफर्मेशन मिल गया, कंफर्मेशन मिलने से अब उस दिन का क्लोज तो है 96.50, आपकी पोजीशन कितने में बनी तो 94 में बनी, यानी और सस्ते में बनी। तो आप ये पोजीशन आप कैरी करो जब तक ये एंड ऑफ द डे चार्ट आपको एक सेल सिग्नल ना दे। आपके मन में अगर ये सवाल है कि ये सारे स्टॉक्स और ये लेवल्स में कैसे ध्यान रखूं, आपने रखने की जरूरत नहीं, मैं हूं आपके का लिए, मैं आपको इस तरीके का एक अपडेट भेज दूंगा। तो इसी तरीके का एक टाटा मोटर्स का अपडेट मैंने भेजा था लोगों को कि ये वॉच करना चाहिए, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और इसमें कुछ तो होने वाला है। तो इंट्राडे में इसी तरीके के अपडेट्स मेरी तरफ से आते रहेंगे, तो आपने चिंता करने की जरूरत नहीं, आपका सिर्फ नंबर मेरे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में होना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। अगर वो ना हो तो नीचे जो नंबर दिया है उस पर मिस कॉल दीजिए, हमारे एग्जीक्यूटिव के साथ बात कर लीजिए और आपका नंबर मेरे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लीजिए। अब फिर से आते हैं पोजिशनल चार्ट पे, यानी डे एंड चार्ट पे। अब यहाँ पे ये कैंडल जो है यहाँ पे हमें एक इनविटेशन मिला जहां पे हमने इंट्राडे में पोजीशन एंटर कर ली, उसके बाद डेली चार्ट पे हमें फर्दर कंफर्मेशन मिला और वो पोजीशन हमने कैरी कर ली। तो आप देख सकते हैं कि 94 में हमने जो पोजीशन एंटर की 96 पे फर्दर कंफर्मेशन मिला और उसके बाद ये स्टॉक किस तरीके से मूव हुआ है अगले 4-5 दिनों में, यानी हमारी पोजीशन अब तक वैलिड है और स्टॉक अब तक एक 10-15% का मूव दे चुका है। तो जब तक ये हमें सेल सिग्नल नहीं देता, जब तक ये ट्रेंड चेंज नहीं होता, तब तक हम इस पोजीशन में बने रहेंगे। अब एक लेटेस्ट एग्जांपल देखते हैं, वो है ग्रैन्यूल्स। अब ग्रैन्यूल्स का सुबह जब ग्रैन्यूल्स 185-186 की लेवल पे ट्रेड कर रहा था, तब ये मैंने सबको पोस्ट कर दिया। अब ये क्या मैसेज है, तो ग्रैन्यूल्स अगेन ट्राइंग टू मेक अ मूव, रिमेंबर द अपडेट पोस्टेड ऑन 2nd and 4th of June 2020, कीप ऑन रडार। अब ये पहले वाला पोस्ट क्या था वो देखते हैं। अब ये था 2 और 4 जून का अपडेट, ग्रैन्यूल्स 180-189 इज अ मेजर रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक, मल्टीपल टाइम्स द स्टॉक हैज ट्राइड टू ब्रेक पास्ट दिस रेंज बट हैज फेल्ड इन द लास्ट 5 months, कीप अ वॉच ऑन दिस बैंड, एज एंड व्हेन दिस ब्रेक द स्टॉक शुड मूव लाइक अ केज पैरेट
व्हेन सेट फ्री। तो पिंजरे में बंद करके रखते हैं और उसमें से छोड़ दिया तो किस तरीके से उड़ जाएगा, उस तरीके से ये उड़ने वाला है। वी विल डिस्कस अगेन व्हेन द ब्रेकआउट हैपेंस एंड दैट वी डिस्कस टुडे व्हेन द ब्रेकआउट हैपेंड। तो इस तरीके के अपडेट्स आपको तुरंत मिल जाते हैं। अब जब उसने ब्रेकआउट दे दिया इमीडिएट, ये एक अपडेट आ गया आज। तो ग्रैनुल्स का बायबैक भी चालू है, तो बायबैक्स के बारे में एक अपडेट था। प्लस दिस मींस द प्राइस नाउ हैज एन अट्रैक्शन प्लस रेजिस्टेंस एट 200। इफ द स्टॉक मैनेजेस टू क्रॉस 200 देन एक्सट्रीमली पॉजिटिव, इफ फेल्स एंड फॉल्स बिलो 189 देन बुलिश व्यू फेल्स। तो 189 के ऊपर अपना बुलिश व्यू था, इंट्राडे में 189 के ऊपर एक लॉन्ग पोजिशन बिल्ड हुई, स्टॉप लॉस 189 के नीचे था, तो ये बन गई इंट्राडे पोजिशन। स्टॉक उसके ऊपर चला और आज क्लोज हुआ 201-202 के करीब। तो इसका मतलब क्या है, तो ये पोजीशन मैं कैरी कर सकता हूं एज अ पोजीशन ट्रेड, बिकॉज दिस बैंड जो 180 और 189 का जो बैंड था वो ब्रेक हो चुका है। अब पोजिशनल के लिए तो एंड ऑफ द डे की राह देखेंगे, चार्ट देखेंगे, एनालाइज करेंगे, कंफर्मेशन है नहीं और उसके बाद डिसाइड करेंगे। लेकिन इंट्राडे में मैंने जो पोजिशन बना ली 189 जब ब्रेक हुआ, उसके बाद जो पोजीशन बनी उसके नीचे स्टॉप लॉस रहा 187 का, तो रिस्क हमारी जो है वो 3 या 4 रुपए या मैक्स 5 रुपए की थी, आप कहां पे पोजीशन एंटर करते उसके हिसाब से, और ऊपर में आपको एक 10 रुपए की मूव मिल गई। अब यहां पे आप क्या करोगे, तो इंट्राडे जो पोजीशन है उसमें से 50% आप स्क्वेयर ऑफ कर दो। अगर आप इंट्राडे हो तो आप पक्का ही स्क्वेयर ऑफ करोगे, 100% स्क्वेयर ऑफ करोगे। अगर आप पोजीशन ट्रेडर हो 50% स्क्वेयर ऑफ करो, 10 रुपए का एक बफर ले लो, यानी आप कंफर्टेबल रहोगे वो पोजीशन कैरी करने में। अगर अगले दिन ये स्टॉक ऊपर जाने के बजाय अगर नीचे आता है, व्यू फेल हो जाता है, कुछ तो गलत हो जाता है और वो स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देता है, तो आपका रिस्क क्या होगा, आपकी रिस्क कम हो जाएगी क्योंकि आपने वो 10 रुपए का पहले ही प्रॉफिट ले चुके हो आप, तो 10 रुपए का बफर आपके पास रहेगा। और अगर ये स्टॉक ऊपर चलता है तो आप वो पोजीशन होल्ड करने के लिए और कंफर्टेबल हो जाओगे, यानी हमेशा आपने देखा रहेगा भाव ऊपर जाता है तब आपको लगता है अरे अब निकल जाओ या रुक जाओ, निकल जाओ या रुक जाओ, भाव नीचे आता है तब आपको लगता है अरे निकल जाओ रुक जाओ, निकल जाओ रुक जाओ। तो ये जो होता है ये अगर आपको अवॉइड करना हो तो आपने ये स्ट्रैटेजी यूज करनी जरूरी है, और ये स्ट्रैटेजी है रिस्क मैनेज्ड ट्रेड। अब मेरे पीछे आपको डे चार्ट दिखेगा ग्रैनुल्स का, ये चार्ट 9th ऑफ जून तक का है। अब 10th ऑफ जून की कैंडल इसमें आनी है। अब जो मैंने आपको जो बताया लेवल 180 और 189 का, ये कौन सा लेवल है, आपको ये दो हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखेंगे। पिछले 4-5 महीनों में कितनी बार ये स्टॉक ये लेवल पे जाके अटका है और नीचे आ चुका है। सो दिस इज 180 और दिस इज 189। सो 180 और 189 के बीच में इतने महीनों से एक रेजिस्टेंस बना हुआ था और स्टॉक ने यहां पे रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया। अब ये ब्रेक हुआ आज के इंट्राडे में, 189 का ब्रेकआउट लेवल है और स्टॉक क्लोज हुआ है 201-202 के करीब। तो इसका मतलब है 11-12 रुपए ऊपर क्लोज हुआ है ये ब्रेकआउट के। तो अगर मैं पोजीशन ट्रेड पे अगर इसमें एंटर करना है तो मेरा स्टॉप लॉस कहां पे जाएगा, तो 189 के नीचे जाएगा। इसका मतलब है मेरा 14-15 रुपए स्टॉप लॉस नीचे रहेगा। अब आज मैंने इंट्राडे में इसमें पोजीशन बना ली, इसलिए मेरा एडवांटेज क्या हुआ, तो मेरा इनिशियल जो स्टॉप लॉस था वो 4 या 5 रुपए का था जब मैंने इंट्राडे में पोजीशन एंटर करी। अब 10 रुपए का प्रॉफिट का बफर मिला, 50% ऑफ पोजीशन मैंने स्क्वेयर ऑफ कर दी, तो उसके वजह से ये 10 रुपए के प्रॉफिट के वजह से अब मेरे पास बफर बन गया। एक तो रिस्क मैं मैनेज कर चुका हूं, प्लस अब ये पोजीशन में होल्ड करने के लिए कंफर्टेबल रहूंगा। ऑलवेज रिमेंबर इन द स्टॉक मार्केट यू हैव टू कीप योरसेल्फ कंफर्टेबल इन द ट्रेड एट ऑल टाइम्स। ट्रेड आपका है, कंफर्टेबल आप ही होगी, आप ही रख सकते हो, और वो कैसे, जो आपके हाथ में चीजें हैं वो करके, यानी रिस्क मैनेज करके, क्वांटिटी मैनेज करके, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके, ये सारी चीजें करके आप खुद को कंफर्टेबल रख सकते। तो ये है रिस्क मैनेज ट्रेड। तो इस तरीके से रिस्क मैनेज ट्रेड का यूज कीजिए और एक बढ़िया सा ट्रेड बनाइए, और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस नहीं उसके साथ डिसिप्लिन भी ऐड कीजिए और आपका ट्रेड सेफ बनाइए। तो इस तरीके से हमने एक सेफ ट्रेड लेने के लिए
पांच मिनट के चार्ट का और डेली चार्ट का कॉम्बिनेशन यूज किया है, जिसके वजह से हम हमारा जो रिस्क है वो कम कर पाए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपने मुझे इस वीडियो में ज्वाइन किया इसलिए आपका धन्यवाद। आपका मंदार जामसांडेकर।